कि 2016 के बाद तकरीबन 5 लाख विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण, कहने का तात्पर्य यह है कि बीएड या डीएलएड किए कर चुके हैं, तो उन 5 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जा रहा है। कि अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार के द्वारा जेएसएससी को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, जिससे 2016 के बाद से जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक पात्रता शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 1 लाख कैंडिडेट पे 26,000 सीट है, तो यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना काफी मुश्किल है। जेटेट आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि 2016 के बाद से जेटेट परीक्षा नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 2016 के बाद से जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वह शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं शामिल हो सकते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, हमारी मांग का आधार यह है कि कल हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जेसीसी को अधियाचना भेजी गई, जिसमें लगभग 26,000 पदों पर शिक्षक नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो हमारा विरोध का कारण यह है कि बिना जेटेट का आयोजन किए हुए सरकार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एनसीटी का गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जेटेट का आयोजन कराने की जिम्मेवारी सरकार के दायित्व में है, लेकिन वर्तमान सरकार 2000 से लेकर 2022 तक में मात्र 2013 और 2016 में ही जेटेट का आयोजन करवा पाने में सफल हो पाई है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि 2016 के बाद तकरीबन 5 लाख विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण, कहने का तात्पर्य यह है कि बीएड या डीएलएड किए कर चुके हैं, तो उन 5 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जा रहा है। अतः मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जेटेट का आयोजन करवाएं, ताकि लाखों लोगों को या कहे तो अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सके। मनीष चंद्र पांडे, हजारीबाग। आज हम लोग राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं जेटेट आयोजन को लेकर। जेटेट का अर्थ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आगामी 2016 के बाद से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में कुल 135 डीएड एंड बीएलएड कॉलेज हैं, जिससे हमारे प्रत्येक साल का आंकड़ा है कि 1 लाख से ऊपर प्रशिक्षित होते हैं हमारे युवा। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मांग है कि झारखंड में पात्रता परीक्षा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार के द्वारा जेएसएससी को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, जिससे 2016 के बाद से जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक पात्रता शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं पास किए हैं, इस वजह से हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं जा सकते हैं। ये सरकार से मैं आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, जिससे हम सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ कर करके उसमें उत्तीर्ण हो करके हम लोग भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। और हमारे आप देखना चाहेंगे कि जितने भी युवा यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे लोग बीएड किए हुए हैं, ये डीएलएड किए हुए हैं 2016 के बाद से, और 2016 के बाद से पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, जो आप ये स्थिति आज हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग को एक ही मांग है, नियुक्ति से पहले जेटेट का आयोजन हो, जिससे हम लोग भी नियुक्ति प्रक्रिया में बैठना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, हम लोग जेटेट आयोजन को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार 26,000 प्राथमिक विद्यालय में बहाली निकालने जा रही है और बिना जेटेट करवाए हुए। झारखंड में जेटेट 2013 और 16 में हुई है। 16 के बाद हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए, लगभग 7 साल हो गया है, और बिना जेटेट के भी आंदोलन करना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के पहले जेटेट आयोजन हो जाए और उसके बाद शिक्षक बहाली हो। अभी 2013 और 16 में मात्र 1 लाख से भी कम ऐसे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं, और सरकार बोल रहे हैं कि हमको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा चाहिए और 26,000 बहाली, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। 1 लाख कैंडिडेट पे 26,000 सीट है, तो यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको अपडेट करके सरकार शिक्षक बहाली के पहले जेटेट आयोजन कर ले, उसके बाद शिक्षक नियुक्ति करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।